स्वागत है आपका मार्वल स्नैप की एक और वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट की दो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद अब मैं आपको एक गेम प्ले वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ अपनी एक नई डेक का जिसका नाम है ऑनगोइंग इफेक्ट 2। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इस गेम के अंदर कई टाइप के कार्ड्स होते हैं, पर दो स्पेशल कार्ड्स हैं, ऑन द व्हील एंड ऑन गोइंग। उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में आप एक गेम प्ले देखो फिर से। एज यूजल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनर्जीज ट्रांसफर नहीं होती है इसमें। अगर थर्ड चांस है तो 3 एनर्जी मिलेगी, अगर और सेकंड चांस पे 2 एनर्जी, और अगर हमने सेकंड चांस पे 2 एनर्जी यूज नहीं करी तो वो थर्ड चांस पे नहीं जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पे 5 मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है, मैं हमेशा क्विकसिल्वर अपने उसमें रखता हूँ। क्विकसिल्वर की पावर यही होती है कि वो हमेशा डेक में सबसे फर्स्ट आता है, तो इसलिए हमारे पास वन फर्स्ट चांस पे 1 एनर्जी के अंदर एक चांस चलाने को होती है, और वो हम यहाँ चलाएंगे। इस जगह का नाम है वाइब्रेनियम माइंस, जहाँ पे कार्ड चलाने पे हमारी डेक में 3 वाइब्रेनियम चले जाते हैं, जो रैंडमली कहीं भी घुस जाते हैं और फिर उनके निकलने के चांस होते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरी चांस 2 एनर्जी, और ये म्यूर आइसलैंड बहुत खतरनाक चीज़ है। हर टर्न के बाद ये कार्ड्स को +1 पावर देती है, इसलिए यहाँ पे तो चलना ही चाहिए ताकि हमें +1 पावर मिलती रहे हर चांस के बाद में। एंड यस, दोनों ने चली और दोनों को +1 पावर मिल गई। ठीक है, उप्स सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब हमारे पास है इबोनी मो हम नहीं चलेंगे, इबोनी मो चलना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इससे अच्छा हम यही चलेंगे ताकि हमें +1 पावर मिलती रहे। और ये हमने मिस्टर फैंटास्टिक चला, जो कि अपनी साइड की उसको और पावर देता। अरे वाह, ये अच्छी बात हुई ना, देखो हमारे पास प्लस करने को 3, 3, 4, 4 है, बहुत अच्छे। तो ऑन रिवील यहाँ काम नहीं करता, ओके दैट समथिंग, ऑन रिवील यहाँ काम नहीं करते हैं। तो अब फोर्थ कार्ड हमें चलना है, फोर्थ एनर्जी का, पर हमारे पास 4 एनर्जी का कोई कार्ड ही नहीं है। 5 का है, 1 का है, जो चल नहीं सकते क्योंकि इबोनिमा है, इबोनिमा को थर्ड चांस के बाद नहीं चल सकते, तो फिर सुपर स्क्रॉल ही चलना पड़ेगा। और ये हमने सुपर स्क्रॉल चल दिया, गो फॉर इट एंड बूम। ये आया स्पाइडरमैन, ये आया आयरन फिस्ट, और ये मल्टीपल मैन। मल्टीपल मैन को इसने कॉपी लगवा दिया, विच इज गुड। ठीक है, एज यूजुअल उसके पास ज्यादा पावर है हमसे। जी हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप लगा देते हैं। प्रोफेसर की खास बात होती है कि जैसे ही इसको जहां भी चलोगे वो पूरी लॉकडाउन हो जाती है, वहां पे ना कार्ड्स को जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। सो हमने ये यहाँ पे चल दी, और अगर इसने यहाँ कार्ड चला अच्छा तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज चला, जो कि काम नहीं करेगा, और ये मैंने जगह को लॉक कर दिया। यहीं पे फिनिश होती है एक जगह, हम पूरी तरह से जीत गए। अब यहाँ पे ना कार्ड एड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, फिनिश मतलब फिनिश, अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, हम इसको यहाँ 5 चल देंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, है ना, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट डबल हो जाएगी हमारी पावर आयरन मैन के द्वारा, और यहाँ पे 4 और डाल सकते हैं एज यूजुअल, सो दैट वुड बी ग्रेट। और आई एम प्रिटी श्योर मैं ये गेम जीत जाऊंगा, क्योंकि अब इसके पास चलने को कुछ भी नहीं बचा है, ये सिर्फ एक जगह है जो यहाँ चल सकता है, उसके बाद चल नहीं सकता। ये गेम टोटली मेरा है, क्योंकि आयरन मैन यहाँ पे डबल करेगा और 20 का डायरेक्ट 40 होगा, और +4 मिलने पर 8 और मिलेगा। सो तुम हार गए भाई, तुम नहीं जीत सकोगे। आई हैव वॉन द मैच, टोटली आई हैव वॉन द मैच। यप, ये इसका वाइब्रेनियम एक बस, ये मेरा एक आयरन मैन, और यहाँ मैंने किया डबल 30, और ये 4, और ये सबको +1 पावर 38। एज यूजल वी जीत गए, दो जगह जीतनी होती है, हम जीत गए। सो यही था मैच, अच्छा मैच था ना। ठीक है, हाँ मैंने ज़्यादा चीज़ आपको डिफाइन कर नहीं पाया इसमें, कार्ड्स को डिफाइन मैं आराम से करूँगा एक एक वीडियो में। कल मैं आपको दो स्पेशल टाइप्स के कार्ड्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।